कागुराबाची एक ऐसी मांगा है जिसने अभी तक की सभी बड़ी मांगों को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो स्पाई एक्स फैमिली हो या ब्लैक क्लोवर। वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट सेलिंग मांगा बन चुकी है कागुराबाची, और जैसा कि सभी का मन करता है मांगा पढ़ने का, पर किसी न किसी वजह से वो मांगा नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में पूरे 7 चैप्टर जो अभी तक आए हैं फुल एक्सप्लेन पर शॉर्ट में, ताकि आप भी इस नई ट्रेंडिंग मांगा को फॉलो कर सकें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है कुनिशिगे। वो अपने बेटे चीरो के साथ एक गांव में रहता है। कुनिशिगे का एक फैमिली बिजनेस है कटाना स्वॉर्ड बनाने का, उसका बेटा चीरो भी उसमें उसकी मदद करता है। अब इस मांगा में अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ी वॉर खत्म हुई है, और कुनिशिगे ने इस वॉर में यूज होने वाली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कटाना स्वॉर्ड को बनाया था। तो खैर, चीरो 13 साल का है और वो अपने पापा का ख्याल रखता है। अब चीरो के पापा खुशमिजाज मेहनती इंसान तो है, पर वो मनमौजी इंसान भी है। एक बार तो वो 3 गोल्ड फिश ले आया घर में पालने के लिए बिना किसी वजह के। वो कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ। बेसिकली वो अपने बेटे को खुश रखना चाहते हैं अपने स्टाइल में, और वो अपने बेटे को कटाना बनाने की जिम्मेदारी के बारे में भी समझाते हैं, क्योंकि उनके बाद उनके बेटे को ही स्वॉर्ड बनाने के बिजनेस को संभालना है। अब कुनिशिगे का एक दोस्त है जिसका नाम है शिबा। वो अक्सर उनके घर आता है मिलने के लिए, और उनका फैमिली फ्रेंड जैसा है। खैर, इंट्रोडक्शन के बाद मांगा में एक लंबा सा टाइम जंप आता है, ठीक 38 महीने का, यानी कि 3 साल 2 महीने का जंप। किसी जगह पर कुछ माफिया के लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका खून इधर उधर पड़ा है और उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है जिसके हाथ पर एक फ्लेम का निशान बना हुआ है। वो आदमी एक सॉर्सरर है। वो आते ही एक मैजिक करता है और उस टॉर्चर हो रहे आदमी के सामने एक अजीब सा ब्लैक कलर का पेड़ सा उगने लगता है, और वो उस टॉर्चर हो रहे आदमी के आसपास लिपट जाता है। उसके बाद वो सॉर्सरर अपने लोगों को उसे और टॉर्चर करने के लिए कहता है और खुद वहां से फ्लेम मैजिक का यूज करके गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एक ट्रेन में चीरो और शिवा एक साथ सफर कर रहे होते हैं। याद रहे कि 3 साल का वक्त बीत चुका है और अब चीरो बड़ा हो गया है। उसके पास 2 स्वॉर्ड है जो उसकी साइड बेल्ट पर लटकी हुई है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा सा घाव का निशान है, जहाँ का घाव तो भर गया है पर निशान अभी भी नहीं गया। शिवा चीरो को बोलता भी है कि तुम इस घाव को हटवा सकते हो, पर चीरो मना कर देता है। वो कहता है कि जब भी वो इस निशान को देखता है सुबह उठकर, तो उसे वो भयानक दिन याद आता है, जिसकी वजह से वो अपने दिन की शुरुआत एक नई नफरत के साथ कर पाता है। उसके बाद वो ट्रेन से उतरते हैं और एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं, जहां पर याकुजा माफिया के मेंबर्स ने कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के बाहर गले में फांसी लगाकर लटकाया हुआ था, और चीरो और शिबा भी याकुजा के मेंबर्स को ही ढूंढ रहे थे। तब शिबा चीरो को उन गैंग मेंबर्स के हेडक्वार्टर तक ले जाता है, जहाँ पर वो उस आदमी को टॉर्चर कर रहे थे जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उस हेडक्वार्टर के बाहर 4 गैंग मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे और पहरा दे रहे थे। तभी कहीं से एक स्वॉर्ड आती है और एक मेंबर के गले से होते हुए पीछे दीवार में घुस जाती है। वो स्वॉर्ड चीरो की थी। चीरो वहाँ भाग कर आता है और बहुत तेजी से उन 4 लोगों की गर्दन एक झटके में अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। उनकी गर्दन काटते ही चीरो अंदर जाता है और शिवा बाहर से मजे लेने के लिए कह देता है, ये बच्चा लेजेंडरी कुनिशिगे का बेटा है जिसकी स्वॉर्ड बनाने की टेक्निक दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिसे आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका। ये सुनते ही वहाँ के सभी गैंग मेंबर चीरो पर हमला कर देते हैं, पर चीरो अपनी कटाना स्वॉर्ड और सॉर्सरी से उन सभी को मार देता है। अब मैं फाइट को क्या एक्सप्लेन करूँ, लो खुद ही देख लो। चीरो सभी माफिया गैंग मेंबर्स को तो मार देता है, पर उनके हेड को जिंदा रखता है ताकि वो उससे हिसाबों के बारे में पूछताछ कर सके। पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि 4 साल पहले वो उन सॉर्सरर्स का ग्रुप दिखाई दिया था, और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो वो गैंग लीडर जिसे चीरो ने जिंदा छोड़ा था, वो कहता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स हैं, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। तब चीरो एक ही बात कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उन्हें बीच में से काट कर मारना चाहता हूँ। और तब वो लीडर उन्हें हिसाकू के बारे में बताने ही वाला होता है, और जैसे ही उसके मुंह से हिसाकू शब्द निकलता है, वो गैंग लीडर फटने लगता है। उसका शरीर फटने लगता है और उसके शरीर से अजीब सा ब्लैक कलर का एक पेड़ जैसा कुछ निकलने लगता है। शिवा उस टॉर्चर हो रहे आदमी को जल्दी से पकड़ता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है बाहर, और चीरो भी अपने आप को बचाकर एक तरफ हो जाता है। और तब शिवा और चीरो को पता चलता है किसने उस गैंग लीडर पर जादू किया था, ताकि वो हिसाकू के बारे में किसी को कुछ भी ना बता सके। तब दोनों तय करते हैं कि वो टोकियो जाएंगे, और तब शिरा चीरो को देखकर सोचता है कि 3 साल पहले तक ये बच्चा एक आम बच्चा था, और इतने थोड़े ही वक्त में वो इतना ताकतवर हो गया है। और तब हमें 3 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ चीरो और उसके पापा कुनिशिगे जिस घर में रहते थे और काम करते थे, वो चारों तरफ से मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड था, पर फिर भी वो 4 सॉर्सरर कहीं से अचानक से उनके घर पर आए और आकर हमला कर दिया। चीरो हमले में बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका पूरा घर तबाह हो चुका था, उसकी काम करने की जगह तबाह हो चुकी थी, और उसके पापा घर के बाहर खून में लथपथ पड़े हुए थे। शिवा को वहां पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है,
पर तब तक वो सॉर्सरर्स वहां से जा चुके थे और लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ कोनिशिगे की मौत हो चुकी थी। कोनिशिगे ने वॉर के टाइम पे 6 मैजिक से चेंटेड स्पेशल स्वॉर्ड बनाई हुई थी, उसने उन्हें वॉर में यूज करने के लिए दे दिया था। पर जब वॉर खत्म हुई तो कोनिशिगे ने उन सभी 6 स्वॉर्ड्स को वापस मंगा लिया और उन्हें अपने घर के नीचे काम करने वाली जगह के नीचे बेसमेंट में छुपा दिया था। और उस दिन हमला करके वही 6 स्वॉर्ड वो सॉर्सर लेकर चले गए थे। चीरो ने बेहोश होने से पहले उस सॉर्सर को देख लिया था जिसके हाथ पर एक अजीब सा फ्लेम का निशान बना हुआ था, जिसकी वजह से चीरो आज भी उसे ढूंढ रहा था। तब चीरो ने कसम खाई कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इसका बदला लेकर रहेगा। वो इन सभी सॉर्सरों को बीच में से काट के मार देगा। और तब चीरो अपने पापा की वो स्वॉर्ड उठाता है जिसे बनाने और प्रोटेक्ट करने के लिए कोनिशिगे ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी, एक 7th चेंटेड कटाना स्वॉर्ड, जिसके बारे में सिर्फ कोनिशिगे, चीरो और शिबा को ही पता था। और अब चीरो का एक ही मकसद था, उन स्वॉर्ड्स को वापस लाना और उन सभी सॉर्सरर्स को मारना। अब चीरो और शिबा टोक्यो में होते हैं और तब शिबा चीरो को आकर बताता है कि किसी ने चेंटेड बेल्ट को टोक्यो में ही देखा है। अब 3 साल पहले जब कोनिशिगे की मौत हुई थी तब शिबा ने टोक्यो में एक हिनाओ नाम की शॉप ओनर, जो कि शॉप के साथ साथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सॉर्सरर्स और स्वॉर्ड्समैन को बेचती थी, उसे हिनोसुके के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए कहा था। और तब से लेकर हिनाओ भी चीरो और शिबा के साथ हिसाको को ढूंढ रही है। और तब एक दिन उसकी शॉप पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो दावा करती है कि उसने एक चेंटेड स्वॉर्ड को देखा है। और ये इन्फॉर्मेशन हिनाओ शिबा को बताती है और शिबा चीरो के साथ टोक्यो आ जाता है। तब वो दोनों हिनाओ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक छोटी सी बच्ची ने आकर उन्हें बताया है कि उसने एक पावरफुल स्वॉर्ड को देखा है और वो शायद चेंटेड स्वॉर्ड हो सकती है। पर वो जब उस बच्ची से बात करते हैं जिसका नाम 4 होता है तो उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो बताती है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए कुछ बुरे लोगों से जो उसके पीछे पड़े हैं और उनमें से एक के पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड भी है। पर वो पूछने पर ये नहीं बताती कि वो बुरे लोग कौन है और उसके पीछे क्यों पड़े हैं। पर फिर भी वो लड़की डरी हुई थी और उसका कोई और नहीं था, इसलिए चीरो उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है। और वहाँ 4 उसे बताती है कि जिस स्वॉर्ड की वो बात कर रही है उसमें से क्लाउड जैसा कुछ निकलता है। ये सुनते ही चीरो समझ जाता है कि वो एक इंचेंटेड स्वॉर्ड है। और जब वो 4 से ये इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था तभी उनके पीछे बैठे एक आदमी ने वहाँ के एक वेटर को चॉप से घुसाकर जान से मार दिया। और तब पता चलता है कि वो आदमी एक सॉर्सरर है और वो 4 के पीछे पड़ा है। तब चीरो और उसके बीच में फुल फ्लेज बैटल होता है। वो सॉर्सरर 4 को पकड़ भी लेता है पर चीरो उसे बचा लेता है और शिबा वहां आकर 4 को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है सीधा अपनी कार में। और तब चीरो और सॉर्सरर में बिना रोक टोक के फाइट होती है और वो सॉर्सरर 4 को डराने की कोशिश करता है कि वो चीरो को मार देगा वैसे ही जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। और तब उनके बीच में बहुत भयानक बैटल होता है। अब फिर से मैं फाइट को क्या ही एक्सप्लेन करूं, लो खुद ही देख लो। फाइनली चीरो सॉर्सरर को हरा देता है और 4 जिस स्वॉर्ड की बात कर रही थी उस स्वॉर्ड का नाम है क्लाउड गॉगर। अगले दिन चीरो 4 के साथ शिवा की कार में कहीं बाहर होता है क्योंकि 4 को भूख लगी होती है और 4 बार बार कुछ ना कुछ खाने की जिद कर रही होती है और चीरो भी उसकी बात मान रहा होता है क्योंकि उसे उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और दूसरी तरफ शिवा उस सॉर्सरर को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। और तब हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक हॉट टब में एक आदमी बैठा होता है और सामने एक आदमी खून में लथपथ लटका हुआ है और कुछ लोग उस बाथ टब में बैठे आदमी को 4 और वो सॉर्सरर जो उसके पीछे था उसके पकड़े जाने की रिपोर्ट दे रहे थे। तो उस बाथ टब में बैठे आदमी को पता चलता है कि उन 6 चेंटेड स्वॉर्ड के अलावा भी एक गोल्ड फिश चेंटेड स्वॉर्ड है, यानी कि एक 7th स्वॉर्ड। और फिर वो आदमी किसी चीज का ऑर्डर दे देता है। और तब शिबा चीरो को कॉल करके बताता है उस बाथ टब वाले आदमी के बारे में जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे उस सॉर्सरर से मिली होती है। वो बताता है कि उस बाथ टब वाले आदमी का नाम है गेंची सोजो, जो अंडरवर्ल्ड का एक वेपन डीलर है और उसके पास ही वो इंचेंटेड स्वॉर्ड है क्लाउड गॉगर। चीरो रेड लाइट पर इंतजार कर रहा होता है और शिबा से फोन पर बात कर रहा होता है तभी सामने सड़क पर अजीब सा सर्कल बनने लगता है और उसमें से कुछ अजीब से आदमी निकलने लगते हैं और वो अचानक चीरो की कार पर हमला कर देते हैं। चीरो जल्दी से 4 को लेकर उस गाड़ी से निकल जाता है और तब उसे पता चलता है कि एक नया सॉर्सरर है जिसे गेंजी सोजो ने भेजा है उसे पकड़कर लाने के लिए और 4 को पकड़कर लाने के लिए। तब वहाँ 2 सॉर्सरर आ जाते हैं और वो चीरो और 4 पर हमला कर देते हैं। चीरो लड़ने की कोशिश करता है पर उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और उनमें से एक सॉर्सरर चीरो पर मेंटल हमला भी करता है जिससे वो उसे उसकी पुरानी यादें याद दिलाता है जिस वजह से उसे दर्द हो। पर चीरो अपने आप को संभालता है और उस फाइट को लड़ता है। अब फाइट को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, लो आप खुद ही देख लो। उस फाइट के दौरान चीरो को पता चलता है कि 4 एक क्योनोगी क्लैन से है। उस क्लैन के लोगों में एक खास बात है कि उनके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और वो बहुत जल्दी रीजेनरेट होते हैं।
तब चीरो चार को अपने कंधे पर उठाकर वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी बाकी तरफ से और भी सॉर्सरर्स आ जाते हैं और चीरो अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है, तब वहां पर एक और आदमी आता है जो उसे रोकते हुए कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तब वो आदमी बिना स्वॉर्ड और बिना किसी मैजिक के उन लोगों से बेयर हैंड लड़ता है और वो सॉर्सरर जब ये सब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कौन है। वो एक सिविस था। अब सिविस वहां की एक तरह से पुलिस है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जिससे बाकी सारे लोग डरते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल पुलिस है। और तब हमें पता चलता है कि वो जो आदमी है उसका नाम है मिस्टर आजामी, जिसे चीरो पहले से जानता था। उसके बाद वो सभी वापस हिनाओ की शॉप पर आ जाते हैं और आगे की चीजें डिस्कस करने लगते हैं। और तब पता चलता है कि गेंजी सोजो एक महीने बाद एक ऑक्शन रखने वाला है जिसमें वो उन सभी इंचेंटेड स्वॉर्ड्स की नीलामी कर देगा। और चैप्टर 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तक जितने भी चैप्टर आए हैं, यानी 7 चैप्टर, मैंने आपको शॉर्ट में पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी तक बस यहीं तक की स्टोरी थी। इस मांगा के जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा मांगा को। और आप भी प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और प्लीज यार, अगर हो सके तो ओरिजिनल कंटेंट को जाकर सपोर्ट करो, यानी कि ओरिजिनल मांगा को जाकर पढ़ो। मांगा बहुत अच्छी है और बहुत ही ओरिजिनल है, तो अगर आप कर सकते हो तो इतना सपोर्ट तो ओरिजिनल राइटर को देना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बहुत सारी कमाल की वीडियो आने वाली हैं, मांगा पे, थ्योरीज पे, एनिमे पे, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। पीस।